पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा सरकार के द्वारा लगातार प्रदेश का विकास करने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं बिजली की व्यवस्थाओं में बदलाव कर जनता के हित और उनके लिए विभिन्न योजनाएं चलाने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लाइन पार स्थित दुर्गा कॉलोनी के लोग पिछले 2 साल से बिना बिजली के यहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विभागों के चक्कर लगाते लगाते लोग थक कर अब घर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि इसका जवाब 2022 के इलेक्शन में दिया जाएगा, क्योंकि सभी से गुहार लगाने के बावजूद भी अभी तक हमारी इस समस्या का समाधान नहीं निकला है। क्षेत्रीय लोगों ने आक्रोश भरते हुए कहा कि हम सभी वोटर हैं, उसके बावजूद भी कोई भी हमारी समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है, जिससे लगता है कि अब इन्हें हमारी जरूरत ही नहीं है। लोगों ने कहा कि इसका जवाब हम जरूर देंगे। हम लोग जो है, हम लोगों के मकान है यहाँ पे, और क्षेत्र में ना तो बिजली की सुविधा है यहाँ पे, ना जो है पानी की सुविधा है, और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। कौन सा क्षेत्र पड़ता है ये? दुर्गा नगर का क्षेत्र पड़ता है। और थाना कौन सा पड़ता है? थाना मझोला पड़ता है ये। बिजली घर ये मझोला पड़ता है ये, मंडी समिति। किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं और कब से? यहाँ बिजली की ज़्यादा परेशानी है, और जो है नई आबादी है ये, और इसके लिए कई बार सूचनाएं भी दे चुके हैं हम लोग, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है। लिखित में भी दिया है, मौखिक तौर पे भी दिया है, बिजली विभाग को भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। वह टाल मटोल करते रहते हैं बस। जब भी जाए यहाँ पे कोई लिखित में दिया है, बोले ठीक है देख लेंगे। एक बार सर्वे भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई जो है, सर्वे के बाद भी कोई भी जो है इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा क्षेत्र आता है, उसके बावजूद ना तो यहाँ पर लाइट है और ना ही पानी है। रोड तो बनी हुई है, सरकारी है। जब सरकारी रोड बनी हुई है तो यहाँ पर लाइट और पानी देने में क्या प्रॉब्लम है? तो ना तो मेरे बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है और ना ही कुछ भी वहाँ पर काम हो रहा है। अच्छा, लाइट से संबंधित ना ही कोई मशीनरी चल रही है, जैसे कि फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल चार्जिंग की बहुत ही ज्यादा परेशानी है। इधर से दूसरों के घर में हमें झांकना पड़ता है मोबाइल चार्जिंग के लिए। कितने समय से इस परेशानी से मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो पढ़ाई कहाँ? 3-4 साल हो गए। यहाँ पर 30 परिवार के आसपास होंगे, बल्कि ज्यादा ही होंगे। जो क्षेत्रीय विधायक है उनसे क्या अपील करें, क्या मांग करेंगे? हम तो यही मांग करेंगे कि भाई यहाँ पर जल्दी से जल्दी लाइट और पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। और दूसरी बात एक और ये है कि यहाँ पर सांप कीड़े का बहुत डर है। रात में सांप कीड़े भी घर में घुस जाते हैं कभी कभी। विवेक जा चुका हूँ और मैं कई बार विधायक जी को ऑफिस भी गया हूँ, उनसे मैंने मांग भी करी है। सर मेरे क्षेत्र में का सबसे ज्यादा परेशानी है पानी लाइन की, और सबसे ज्यादा उससे अधिक है बिजली की। न बिजली कारण बस नहीं यहाँ कोई पढ़ाई हो पा रही बच्चों की, और आए दिन चोरी भी होती रहती है। कभी हम दूसरों के घर जाकर मोबाइल चार्ज करने पड़ते हैं, बच्चों को गर्मी में परेशान होते हैं, आए दिन छत पर और रातों में सोते भटकते रहते हैं सड़कों पर, और छत पर सोते हैं रात को भी, और डर रहता है नीचे मकान में चोरी वोरी न हो जाए। इसकी अपेक्षा में कई बार उनसे मांग करी है, डिवीजन ऑफिस गए हैं, अधिकारी को पास गए, एसडीओ ऑफिस पहुँचते हैं, कभी जेई ऑफिस, हर बार जेई आते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। डायरेक्ट एस्टीमेट की बात रखते हैं और एस्टीमेट पूछते हैं कितना है, कहते हैं एस्टीमेट है नहीं हमारे पास। बोले तुम्हें तो एस्टीमेट निकल गया, सर बताओ तो समथिंग है कितना एस्टीमेट? सरकारी योजना, बोले कभी सरकारी योजना आएगी तब काम होगा, भाई टंकी चालू होगी तब आएगा, मतलब कि ये नहीं बताते, समस्या हल कब होगी कोई पूरी बात नहीं खुल के बताते। और पास के उसमें लाइट है, सारी फैसिलिटी बराबर है, और यहाँ मतलब नई आबादी में थोड़ी फैसिलिटी तो है, मैं पूरी आती है गवर्नमेंट, उसमें वैसे टंकी भी है, वाटर लाइन है, सारे काम होते हैं, और लाइट की समस्या नहीं हो पा रही है, और एक से नहीं कई बार आ चुके हैं आबादी में, छोटे छोटे बच्चे परेशान होते रहते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? और हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो, सबको पानी और लाइट की सुविधा पूरी तरीके से हो जाए, जितने बच्चे हैं सब खुशी से रहें अपने। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।